बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव। चिकन में शामिल कर देंगे एक मीडियम प्याज, हरी मिर्चें, 7 से 8 लहसुन के जवे और अदरक। मसाले लिए सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री। पानी शामिल कर देंगे। और 1 खाने का चम्मच नमक। बॉईल आने के बाद 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। पुलाव बनाने के लिए गरम तेल में शामिल कर देंगे 1 मीडियम तली हुई प्याज और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन और 2 से 3 मिनट के लिए चिकन फ्राई कर लेंगे। शामिल कर देंगे दही और मसाले, गरम मसाला, पुलाव मसाला, लौंग, साबुत काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें, दालचीनी और नमक, हरा धनिया और कुटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। पाँच मिनट के बाद दही में जो पानी था वो भी ड्राई हो गया। चिकन और मसालों की अच्छे से बुनाई होगी। अब शामिल कर देंगे यखनी। बासमती राइस लिए अच्छी क्वालिटी के और जितने मैंने चावल लिए यखनी उससे डबल है। बॉयल आने तक कुक कर लेना है। इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे चावल। मिक्स करके 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना। आठ मिनट के बाद यखनी आलमोस्ट ड्राई हो गई है। अब दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 5 मिनट फ्लेम मीडियम रखेंगे और 5 मिनट लो टू मीडियम। तवा लगा दिए। 10 मिनट के बाद बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चिकन यखनी वाइट पुलाव रेडी है। अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान को बरा हुआ रखे। आमीन। मिलते हैं फिर एक न्यू और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।